हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप अपनी वीडियो में बनाने वाले हूँ खोए की पूरी। और ये बिल्कुल आसान रेसिपी है और इसे एकदम फटाफट कम समय में बना के तैयार किया जा सकता है। और ये बनने के बाद बिल्कुल स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पे हमने लिया है खोया और हमने मार्केट से खोया मंगाया हुआ था। तो उसके बाद हमने गैस का फ्लेम लो किया और कढ़ाई गरम की और उसके बाद हमने अपने खोए को 3 से 4 मिनट तक उसे भूना। और भूनने के बाद हमने उसमें मिलाया था पिसी हुई चीनी और छोटे इलायची का पाउडर। और उसे हमने अच्छी तरह मिलाने के बाद, और आप चाहती हैं तो उसमें कसा हुआ नारियल का बुरादा मिला सकती हैं, जिससे कि स्वाद में और उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो हमने इन सभी चीज़ों को खोए के साथ मिला के, और गैस का फ्लेम हमने लो रखा था और अपने खोए को 4 से 5 मिनट तक उसे हल्की आंच में भूना। और भूनने के बाद हमने अपनी कढ़ाई को उतार दिया और कढ़ाई का खोया हमने थाली में निकाल के उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। और अब हमने स्टेपिंग को तैयार कर लिया है और यहाँ पे हमारा मावा जो है वो सेट हो चुका है ठंडा होके। और अब हम तैयार कर लेते हैं अपना आटा। तो आटा का देखिए, हमने बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट लगाया है और इसे हम कड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी पूड़ी है जो वो फटने लगेगी बीच से। तो आटा को हमने गूंथा था। और फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो पूरी का आटा गूंथा था उसे हमने सॉफ्ट ही रखा था। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि हमारी पूरी है जो वो फटेगी नहीं, सॉफ्ट आटा रहेगा तो हमारा। और हमने आटा गूंथते समय उसमें रिफाइंड ऑयल मिलाया था, और रिफाइंड ऑयल मिला के आटे में सही से मिलाया था। और मिलाने के बाद उसकी अच्छे से मड़ाई की थी 10 से 5 मिनट तक। जितना हमारे आटे की ठीक से मड़ाई होगी, हमारा आटा उतना ही मुलायम और सॉफ्ट होगा और हमारी पूड़ियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने अपने पूड़ी बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमने अपने स्टफिंग को ऐसे भर के आटे के अंदर, तो उसे सूखे हुए आटे में डस्ट करके, और फिर हम उसे हल्के हाथों से बेलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मावा पूरी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी बनी है, फूली फूली। तो देखिए, धीरे धीरे हमने अपनी सारी मावा पूरी बना के तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपको भी हमारी मावा पूरी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।